जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम बैटरी है सारे मॉडल्स में, बैटरी इसके अंदर ही है एक ही बॉक्स के अंदर। ये प्रोडक्ट्स हमारे होम अप्लायंसेस, बिजनेस, हॉस्पिटल, आईटी लोड, स्कूल, बैंक्स, हम कहीं भी लगा सकते हैं इसको, इसके सारे एप्लीकेशन एप्लीकेबल। अभी तक डिजिटल वारंटी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो हमारे इन मॉडल्स में है उसमें डेट, मंथ, आवर सारे पैरामीटर शो करते हैं कि कितने दिन की वारंटी आपकी बची हुई है। एक एक दिन एक एक घंटे का उसमें दिख जाएगा। हाँ, आप स्विच को ऑफ कर दिया आपने तो ये इसका जो ये लोड है ये जीरो हो जाएगा आपका, आपका सिस्टम बंद हो गया, यहाँ पे एलईडी भी बंद होगी। अच्छा, जो ये फैक्ट्री जहाँ पर हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ये भी आप ऑलरेडी इन्हीं सारी चीज़ों पर चला रहे हैं? ये हमारा जो सेट है वो 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। 10 साल तक इसको हम बैटरी को सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस अप्रोक्स, मिस्टर कुंवर सचदेव सुकैम कंपनी के फाउंडर हैं। सुकैम कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो जानी जाती थी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। आज की डेट में मिस्टर कुंवर सचदेव सुवास्तिका कंपनी के मेंटोर हैं और सेम वही माइंडसेट, वही सारी टेक्नोलॉजी वो सुवास्तिका कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सुवास्तिका कंपनी आज की डेट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो मार्केट में आपने देखे नहीं होंगे। सबसे मेन चीज़ कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में तो बिक ही रहे हैं लेकिन वो ग्लोबल मार्केट भी कवर कर रहे हैं। इंडिया के अलावा अगर हम दूसरी मार्केट की बात करें तो अफ्रीका है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सुवास्तिका के प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है सुवास्तिका की फैक्ट्री जो कि सोहना हाईवे के ऊपर है और आज हम इनकी फैक्ट्री में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कवर करेंगे जो इंडियन मार्केट के हिसाब से एकदम बेस्ट है। अगर आप अपने घर के लिए सोच रहे हैं, कोई पावर बैकअप सिस्टम ऑफिस के लिए ढूंढ रहे हैं, शॉप के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर किसी दूसरे यूज़ के लिए ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो एकदम लेटेस्ट हैं, इससे पहले आपने ये प्रोडक्ट्स कहीं नहीं देखे होंगे। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो ये हम आ गए हैं सुवास्तिका की R&D लैब के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। योगेंद्र जी, आज क्या प्रोडक्ट हैं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं? आज हमारे पास ये 4 मॉडल हैं। ये है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसके अंदर ये इन्वर्टर और बैटरी इसके अंदर ही है एक ही बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम बैटरी है सारे मॉडल्स में। ठीक है, और ये मॉडल जो है हमारे ये विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कंपेटेबल है। ओके, इसमें ESS 700, ESS 900, ESS 2500 और ESS 4000। तो ये चार अलग मॉडल्स हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग रेटिंग की बैटरी लगी हुई है और इन्वर्टर रेटिंग भी अलग अलग है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग लोड चला सकते हैं इस पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक करके इन सारे मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला मॉडल है ESS 700। हाँ जी, अभी आप ये बताइए कि जैसे ये इन्वर्टर या ये जो भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आप बता रहे हैं ये कितने VA का है, क्या क्या लोड इस पर चल जाएगा और कितनी देर के लिए चल जाएगा? ये ESS 700 हमारा। ओके, इसमें हम 350 वॉट का लोड चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारे होम अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, लाइट, फैन, TV, ठीक है, इस पर रन कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हम 5 LED बल्ब, दो सीलिंग फैन और 1 LED TV आराम से चला सकते हैं। ठीक है, इसके रेंज से अंदर आता है। अच्छा, हाँ जी, और ये 350 वॉट के आसपास हो गया। अगर हम एक फैन कम चलाते हैं या TV कम चलाते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो ज़्यादा देर के लिए हम चला पाएंगे, बैकअप टाइम बढ़ जाएगा। जो 350 वॉट है वो रनिंग लोड है इसका, नॉर्मल रनिंग लोड विदाउट एनी अलार्म। राइट, वो चलेगा आपका बैकअप मोड में 45 मिनट्स। ओके, अगर इसमें हम लोड थोड़ा कम कर देते हैं, 250 वॉट चलाते हैं, 250 वॉट, राइट, तो उसमें आपका 1 घंटे का लोड आराम से चलेगा इस पर। ओके, और जो घर ऐसे हैं जिनका लोड ज़्यादा है और उन्हें बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके घर पर डीजल जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन डीजल जनरेटर जब तक ऑन होता है वो 1 से 2 मिनट का जो गैप होता है उस पीरियड के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। सपोज किसी के घर में DG लगा हुआ है, फ्लैट्स में, सोसाइटी में ऑटोमेटिक चेंज ओवर के साथ DG लगा हुआ है, जेनसेट लगा हुआ है, ठीक है, उसके पास लोड है 700 वॉट का, ठीक है, तो वो भी लोड हम इस पर चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज ओवर टाइम जो DG का होता है वो लेस देन 2 to 3 मिनट्स होता है। राइट, उसको हैंडल करने के लिए हम इसमें 700 वॉट को 5 मिनट्स तक चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा मॉडल आपने बताया ESS 900, इसके बारे में बताइए। ये हमारा ESS 900 है। ओके, इसमें हम 600 वॉट का लोड चला सकते हैं। ठीक है, 600 वॉट का लोड चलाएंगे तो इसमें हम 600 वॉट का 1 आवर के लिए बैकअप ले सकते हैं बैटरी से। ठीक है, उसमें हमारे घर के सारे अप्लायंसेस चल जाएंगे, 2 से 3 फैन चल जाएंगे। ठीक है, 10 LED बल्ब चल जाएंगे, 2 से 3 TV चल जाएंगे आराम से। अच्छा,
जो मल्टी रूम्स वाले रूम्स घरे होते हैं उसमें हमारे ये मॉडल चल सकते हैं आराम से। अच्छा, और उसमें वही वाली बात है कि फैन के अलावा कोई दूसरे उसी टाइप के अप्लायंसेस हम चलाना चाहते हैं तो वो सारे चल जाएंगे उसी रेंज 600 वाट तक आप कुछ भी चला सकते हो 600 वाट तक का। और अगर लोड हम कम करते हैं तो उसका बैकअप टाइम बढ़ जाएगा ठीक है। और ये जो तीसरे वाला मॉडल हम देख रहे हैं ESS 2500, इस पे कितने वाट तक का हम चला सकते हैं लोड? ESS 2500 है, इस पे हम 2000 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अच्छा, 2000 वाट तक का लोड चलाते हैं, 2000 वाट का लोड इसमें 20 मिनट चल जाएगा आपका, 20 मिनट हाँ जी। और लोड को अगर हम कम करते चले लोड हम कम करते चले जाएंगे अगर हम 1200 वाट तक आ जाते हैं तो 1200 वाट पे आपका 1 आवर का बैकअप आ जाता है इसमें। अच्छा, और एसी भी इस पर चला एसी भी चला सकते हैं इसमें ठीक। एक एसी और प्लस अदर अप्लायंसेज इसमें लोड आराम से चल जाएंगे इसमें इजीली चल। अगर बैकअप मोड में चल रहा है, अगर 2000 वाट का लोड है आपका, 100% लोड है तो 20 मिनट्स का बैकअप आ जाएगा अप्रॉक्स। अगर इसमें लोड कम कर देते हैं 50% पे आ जाते हैं तो 1 आवर प्लस बैकअप हो जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक यूनिट हमें दिख रही है इतनी सी, इसी के अंदर बैटरी भी लगी हुई है, इन्वर्टर भी इसी के अंदर है, और इतनी सी एक यूनिट एसी जैसा हैवी अप्लायंस भी चला देगी, हमें मल्टीपल बैटरीज की जरूरत बिल्कुल नहीं। और ये लास्ट मॉडल हमारा रह गया ESS 4000, इसमें हम 3200 वाट तक लोड चला सकते हैं ठीक है। 3200 वाट लोड में आप 2 AC चला सकते हैं हम ठीक है, लाइट फैन TV सारे घर के अप्लायंसेज जो होते हैं सारे चला सकते हैं ठीक है। प्लस हमारे जो अगर इसको हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं तो हॉस्पिटल एप्लीकेशन जो भी होते हैं ठीक है। अगर स्कूल में यूज़ करते हैं तो IT के सारे लोड चला सकते हैं, IT इंडस्ट्री में भी लोड चला सकते हैं जो कि 50 मिनट्स का बैकअप देता है। अच्छा, फुल लोड पे ठीक। और ये हमारे सारे मॉडल्स जो है वो ब्लूटूथ इनेबल्ड हैं ठीक। हम ये सारे मॉडल्स को हम फ़ोन से कनेक्ट करके, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं अगर कोई एरर आ रहा है तो, अगर उसकी लोड अप डाउन होता है, लोड हाई होता है लो होता है वो देख सकते हैं, बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट फीचर है डिजिटल वारंटी। अच्छा हाँ जी, तो अभी तक डिजिटल वारंटी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो हमारे इन मॉडल्स में है डिजिटल वारंटी एप्लीकेशन में दिखता है, उसमें डेट मंथ आवर सारे पैरामीटर शो करते हैं कि कितने दिन की वारंटी आपकी अभी बची हुई है, एक एक दिन एक एक घंटे का उसमें दिख जाएगा। हाँ जी, तो योगेंद्र जी आप बता रहे हैं कि डोंगल के साथ इनको कनेक्ट करते हैं फिर ब्लूटूथ के थ्रू हम अपने फ़ोन पर चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो डोंगल आपके पास अभी अवेलेबल है? हाँ जी, हमारे पास ये है कि डोंगल है, ब्लूटूथ डोंगल है ओके, जिसको हम ये सिस्टम के बैक साइड में कनेक्ट करके, स्वास्तिका का ही डोंगल है, स्वास्तिका का ही डोंगल है ठीक है। हम इस सिस्टम के बैक साइड में कनेक्ट करके अपने फ़ोन के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं सब कुछ ठीक है। और इसके जो स्वास्तिका का एक एप्लीकेशन आता है स्वास्तिका ESS के नाम से, अच्छा, जो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर से या iOS फ़ोन के आईफोन स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। और इस फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ही एप्लीकेशन मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा। और ये डोंगल लगाइए, कनेक्ट कीजिए और मोबाइल में एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं बिल्कुल, सारी मॉनिटरिंग फोन में कर सकते हैं ठीक है। क्या आप लाइव मॉनिटरिंग अभी वो हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, अभी दिखा सकते हैं ठीक है, एक बार दिखा दीजिए। हम इस सिस्टम को ऑन करेंगे, हाँ ये ऑन कर लिया, और इसके बैक साइड में डोंगल लगा दिया, डोंगल कनेक्ट होता है इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है ठीक है ठीक है। ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है ठीक है ठीक है। प्ले स्टोर पर आपने कहा प्ले स्टोर पर जाना है, और क्या स्वास्तिका ESS के नाम से ऐप है? हाँ जी, ये एप्लीकेशन है ओके, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करेंगे, इसमें कह रहा है GPS इज डिसेबल, जिसे इसमें GPS मोड ऑन करना पड़ता है ओके, जो लोकेशन ट्रेस करता है ठीक है। GPS ऑन कर दिया, ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे हम ठीक है, स्कैन करेंगे तो इसमें ब्लूटूथ का एक सीरियल नंबर होता है ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वारंटी उसके अकॉर्डिंग आती है आपकी। तो इसमें डोंगल आपके पास आसपास जो भी डोंगल रहेगा उसका सीरियल नंबर यहाँ पर शो करेगा आपका। तो अभी जैसे यहाँ पर दो शो कर रहा है, यहाँ पे दो शो कर रहा है क्योंकि और भी टेस्टिंग पे लगे हुए हैं यहाँ पे इक्विपमेंट। तो इसमें कौन से वाला है? तो ये आपका ये EE44 वाला ये सिस्टम का ब्लूटूथ सीरियल नंबर है ठीक है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये लिखा रहा है कनेक्टिंग टू स्वास्तिका ESS। हाँ जी, अब कंटिन्यू करेंगे ओके। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका ये सारे पैरामीटर अभी शो कर रहे हैं आपका। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारा सिस्टम अभी ऑन है, ऑन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है जो कि इंडिया की 50 हर्ट्ज है जी। इसके बाद बैटरी टाइप, इसमें लिथियम बैटरी का यूज़ हुआ है। ग्रिड का कनेक्शन अभी हमने किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर जीरो दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। और नीचे मेंस फेल आ रहा है क्योंकि हमने कुछ लोड इसमें नहीं डाल रखा। नहीं, मेंस फेल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी ग्रिड सप्लाई जीरो है, ग्रिड सप्लाई जीरो है। और ये जो हमारा इन्वर्टर जिसके साथ कनेक्टेड है, ये 700 वाला मॉडल है जो आपने बताया था, हाँ जी, 12 वोल्ट का, हाँ जी। और इसमें अभी फिलहाल दिखा रहा है कि जो इसकी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, 13.28 वोल्ट दिखा रहा है, हाँ जी।
और लोड अभी हमने इस पे कुछ कनेक्ट नहीं कनेक्ट नहीं किया। अच्छा, ये तो हमारी हो गई एप्लीकेशन। हाँ जी। इसमें आप कह रहे थे कि वारंटी दिखती है, डिजिटल वारंटी। सर आपकी ये टॉप लेफ्ट साइड में आप देखोगे मंथ डेट और आवर दिख रही है। हाँ। इसमें भी आपकी ये वारंटी दिख रही है आपकी। तो यहाँ पर दिख रहा है एम के आगे लिख रहा है 23 यानी कि 23 मंथ्स। हाँ जी। और उसके बाद 29 डेज। हाँ। और लास्ट में 23 आवर्स और 53 मिनट्स। अच्छा, इस हिसाब से ही है। हाँ जी। यार ये तो बहुत सही वारंटी, और इसमें पेपर वर्क का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ऐप के अंदर ही सारी चीज़ दिख रही है। इसमें कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कोई इनवॉइस कोई जीएसटी इनवॉइस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने लिया है सिस्टम कनेक्ट किया है तो वारंटी इसी के थ्रू चलेगी आपकी। और एक बार इसमें जैसे ही हम ग्रिड कनेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें इसमें और भी एक्स्ट्रा शो होने लगेंगी। और भी एक्स्ट्रा शो करेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, एक बार ग्रिड कनेक्ट करके दिखा दीजिए। अभी मैंने इसमें ग्रिड कनेक्ट कर दिया, मेंस ऑन हो गया है। ठीक है, मेंस ऑन हो गया और यहाँ पर चार्ज लिखा आ रहा है, चार्जिंग की एलईडी ब्लिंक हो रही है। और ये ऐप के अंदर भी अपडेट हो गया है, ऐप के अंदर दिखा रहा है कि ग्रिड से ये कनेक्टेड है, जहाँ पर 82.62 वाट। ये क्या चीज़ दिखा रहा है? ये इतने वाट से बैटरी ले रही है, अभी बैटरी चार्ज कर रहा है। अच्छा, इतने वाटेज से बैटरी चार्ज हो रही है, 81.76 वाट आ रहा है बैटरी में। और बैटरी हमारी 100% चार्ज है क्योंकि अभी हमने यूज़ नहीं यूज़ नहीं किया। साथ में दिखा रहा है यहाँ पर बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर। और बाईपास वाला क्या चीज़ है ये? ये बाईपास आपका जब ये मेंस मोड में होता है तो बाईपास चलता है। अच्छा। तो यहाँ से जो भी इनपुट से आती है लाइट जितनी भी 242 वोल्ट आ रही है तो वो आपकी लोड पर जाती है सीधे। ठीक है जी। और ये प्लस हमारा जो बैटरी का टेम्परेचर दिखाता है, इसके अंदर हमने टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है। अच्छा। बैटरी वोल्ट बैटरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये बैटरी को चार्ज करता है। अच्छा। हाँ जी। इसको हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपेंसेशन बोलते हैं, ATC, ATC जो हमारे सारे मॉडल्स में ये फीचर अवेलेबल है। अच्छा, और इसको इसका फ़ायदा क्या होता है? तो ATC का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने इसको हाई टेम्परेचर एरिया में लगा दिया, ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा बैटरी वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेंगे हम चार्ज करेंगे उसको, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग बैटरी की टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो उसको एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बैटरी को चार्ज करते हैं, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर हाई है तो बैटरी का टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए हम बैटरी अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बैटरी को थोड़ा कम चार्ज करते हैं। ठीक है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है लाइक 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम बैटरी को थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। अच्छा। इससे हमें बैकअप ज़्यादा मिलता है और बैटरी की लाइफ भी मेंटेन रहती है। ठीक है, समझ गया। योगेंद्र जी, इसमें एक चीज़ और बताइए, मैंने अभी नोटिस करा जैसे ही आपने इसमें इसको मेन से कनेक्ट किया, चार्जिंग ऑन हो गई, तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाली विंडो थी जहाँ पर ऑन ऑफ का बटन आ रहा था, हाँ जी, वो गायब हो गया, उसकी जगह वोल्टेज आ रही है। हाँ जी। अभी ये वोल्टेज दिखा रहा है सर आपका, ये आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है। अच्छा। यहाँ पे अभी आउटपुट जब ये बैकअप मोड में चलता है तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आता है। ठीक है। बैकअप मोड में ऑन करना है ऑफ करना है, सपोज तो वो हम मोबाइल से ही कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपका इन्वर्टर बैकअप मोड में चल रहा है और लाइट चली गई, हाँ, आपको बंद करना है इन्वर्टर, अभी कोई भी यूजेज नहीं है आपके यहाँ पे, हाँ, तब सिस्टम को बंद कर देंगे तो बैकअप आपको अगर मान लो रिक्वायरमेंट थोड़ी देर बाद है, हाँ, तो उस टाइम पे ऑन करेंगे तो बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा, उस टाइम का मिलेगा बैकअप। तो आप इसको एक बार बंद करके दिखाएंगे, मतलब डिस्कनेक्ट करके दिखाएंगे? हाँ, अभी मैंने इसका मेंस डिस्कनेक्ट कर दिया है। हाँ, मेंस आपने डिस्कनेक्ट करा है, यहाँ पर सिस्टम में बैकअप मोड आ चुका है और हमारी ऐप के अंदर टाइम लगेगा शायद। हाँ, ऐप के अंदर भी हमारा अपडेट हो गया है, ग्रिड आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और ये ऑन ऑफ वाला स्विच आ गया। हाँ, यहाँ पे मेन फेल का पॉपअप भी आ रहा है आपका। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमने ग्रिड डिस्कनेक्ट कर दिया। ग्रिड डिस्कनेक्ट। और अगर मैं यहाँ से इसको स्विच को दबाता हूँ, आप स्विच को ऑफ कर दिया आपने, तो ये इसका जो ये लोड है ये जीरो हो जाएगा आपका, आपका सिस्टम बंद हो गया, यहाँ पे LED भी बंद हो गया। हाँ, यहाँ पर LED भी बंद हो गया। यहाँ पे पॉपअप भी लिख के आएगा कि फ्रंट स्विच ऑफ हो गया आपका, फ्रंट स्विच इज ऑफ। और इसको मैं दोबारा दबाता हूँ तो इसके बाद ये यहाँ से ऑन भी हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड का ये टाइम लेता। बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम ऑन हो गया, सिस्टम भी ऑन हो गया। ये यहाँ पे बैकअप मोड में ऑन ऑफ का फीचर इसलिए दिया गया है क्योंकि आप बैकअप मोड में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वर्टर को यूज़ कर सको आप। ठीक है। बार बार इन्वर्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप फ़ोन के एप्लीकेशन से ही इसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है। तो चार मॉडल जो अभी आज हमने देखे हैं, इसमें 350 वॉट के लोड से लेकर और 3200 वॉट तक का लोड हम मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है, 3200 वॉट से ज़्यादा का लोड वो चलाना चाहते हैं, तो इसके अलावा भी कुछ मॉडल? हाँ जी, हमारे पास अदर्स मॉडल है जो कि ये अभी हम सिंगल कैबिनेट के अंदर बैटरी और इन्वर्टर दोनों है, एक ही कैबिनेट, एक ही कैबिनेट के अंदर। अगर हम इससे हाई रेटिंग में जाएंगे तो उसमें इन्वर्टर का कैबिनेट अलग और बैटरी का कैबिनेट अलग हो जाता। अच्छा। है, बाकी फीचर सारे सेम रहते हैं। फीचर सेम रहते हैं, बस वहाँ पर बॉडी दो हो जाएगी। बॉडी दो हो जाती है। अच्छा, और वो रेंज हमारी कितने वॉट तक जाती है, कितने टोटल, मतलब ये वाली जैसे 3200 वॉट तक का है, उसमें हाईएस्ट कितना? उसमें हाईएस्ट हमारी 500 KVA तक भी जा सकते हैं। 500 KVA तक? हाँ जी। तो वो तो काफ़ी हैवी हो गया, मतलब वो तो फिर मेरे ख्याल से जो बड़े लोड होते हैं फैक्ट्रीज के लिए यूज़ होता होगा वो, तो वो भी अभी आप बना रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी रेडी, आप देखोगे तो 100 KVA, 50 KVA सारे यहाँ पे रेडी भी पड़े हुए हैं। अच्छा। अगर आप
जैसे वहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि 100 kVA हमारे रनिंग पे है, 100 kVA इन्वर्टर प्लस बैटरी दो हमारे लगे हुए हैं, उस पर हमारा पूरा प्लांट अभी रन हो रहा है। अच्छा, जो ये फैक्ट्री जहाँ पर हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, हाँ इस ये भी आप ऑलरेडी इन्हीं सारी चीज़ों पर चला रहे हैं? हाँ जी, वो भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ही है, बड़े साइज लिथियम बैटरी 100 kVA का लगा हुआ है, 100 kVA जिसपे हमारा 80 kW का लोड पूरे प्लांट का उसी पर चल रहा है। तो हमारा कोई भी डीजी सेट यूज नहीं होता, लाइट जाती है तो बैकअप उसी के थ्रू चलता है हमारा। ठीक है, तो योगेंद्र जी एक चीज़ मेरे को ये बताइए, एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई कि आपने ये लिथियम बैटरी के साथ नया स्टोरेज सिस्टम बनाया है, लेकिन जो हमारे घरों पर आज ऑलरेडी लेड एसिड बैटरी वाले सिस्टम सब यूज़ कर रहे हैं, उनको छोड़ के सब इनको क्यों यूज़ करें? सर, सबसे फर्स्ट थिंग, आप अगर नॉर्मल अभी इन्वर्टर जो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम लेड एसिड बैटरी या ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसमें एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ती है, राइट, हैवी बैटरी होती है, इन्वर्टर भी हैवी होता है वो, हाँ। उसके साथ जब बैटरी लगाते हैं तो उसमें स्पेस ज़्यादा लेता है, स्पेस ज़्यादा लेता है, और प्लस वायरिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है, हाँ, वायरिंग। हमारा ये एक सिंगल बॉक्स है जो प्लग एंड प्ले है, हम इसमें सिर्फ ये कि इनपुट वायर है, इनपुट कनेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको लोड कनेक्ट करना है, ठीक है, और नॉर्मल आपका घर के सारे अप्लायंसेज इसके थ्रू चल सकते हैं, और कुछ और कोई भी कनेक्टिविटी नहीं करना आपको। सेकंड थिंग, हमारा जो ट्यूबलर बैटरी होती है उसमें हमें बार बार वाटर फिलिंग करनी होती है, राइट, प्लस उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी फैमिली के लिए, राइट, और थर्ड थिंग होती है जो जहाँ पे बैटरी रखते हैं वो एरिया बहुत रस्टी हो जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर से फ्यूम निकलते हैं, वाटर निकलता है, वेपर होता है, राइट, तो हमें बार बार उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, इसमें बैटरी के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, बैटरी इसके अंदर ही है, हमें इसके खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज मान लीजिए हमने ये सिस्टम खरीद लिया, हाँ जी, और अगले 3 साल 5 साल जब तक भी ये चलता है हमें कुछ करने की जरूरत है 5 साल में, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, 5 साल तक कुछ करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दो फायदे आपने बता दिए, और भी कोई इसका फायदा है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले? तो लेड एसिड के बैटरी के मुकाबले एक सबसे बड़ा फायदा है इसका बैकअप। अच्छा, अगर आप ट्यूबलर बैटरी पे इतना ही लोड डालते हो, आप सिंगल, हाँ, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप जितने जो रेटिंग की बैटरी इसमें लगी हुई है उसी रेटिंग की बैटरी आप बाहर लगाते हो, ट्यूबलर बैटरी लगाते हो, तो उसमें जो बैकअप आता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 to 25 minutes आता है। अच्छा, अगर आप 350 watt का लोड चलाते हो तो, अच्छा, वो आपकी बैटरी जो होगी वो 50 Ah की होगी, ठीक है, ठीक है, अगर इस वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, राइट, और इसी को अगर हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें 45 minutes का बैकअप आता है। अच्छा, तो बैकअप जो ट्यूबलर बैटरी के अकॉर्डिंग आता है वो इसमें ज़्यादा आता है। आपकी जो ट्यूबलर बैटरी और SMI बैटरी होती है उसको रिचार्ज टाइम में 14 to 15 hours लगते हैं। अच्छा, और ये हमारा जो सेट है वो 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज। बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं, yes, बार बार लाइट जा रही है, जी, जी, तो अगर किसी ने लेड एसिड बैटरी लगा रखी है तो उसके साथ दिक्कत यह है कि एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर उसको दोबारा पावर चाहिए 14 से 15 घंटे तक उसको फुल चार्ज होने, yes, के लिए। लेकिन अगर 2 से 3 घंटे पावर आती है तो ये सिस्टम फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उतना ही जितना बैकअप आपको एक बार देता है उससे बैकअप दोबारा देगा वो, दोबारा। बट अगर SMF है, ट्यूबलर बैटरी है, अगर आपने अभी यूज़ कर लिया 25 minutes का बैकअप और वो दोबारा डिस्चार्ज हो गया, राइट, उसको अगर लाइट 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा लाइट चलेगी तो आपको बैकअप मिलेगा वो 5 से 10 मिनट का हो जाएगा बस। और ये इसको अगर उतनी पावर मिल गई तो फुल चार्ज, ये फुल चार्ज हो जाएगा, फिर आपको 45 मिनट्स का बैकअप दे देगा। ठीक है योगेंद्र जी, अभी एक चीज़ बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके लिए बेस्ट हैं? अगर जैसे कोई अपने घर पे लगाना चाह रहा है या किसी कोई अपनी कंपनी में लगाना चाह रहा है तो किसके लिए बेस्ट हैं ये प्रोडक्ट? सर, ये प्रोडक्ट्स हमारे होम अप्लायसेस, बिजनेस, ठीक, हॉस्पिटल, IT लोड, स्कूल, हम बैंक्स, हम कहीं भी लगा सकते हैं इसको, इसमें सारे एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। अच्छा, अब एक जो सबसे मेन चीज़ है वो बता दीजिए कि इनकी वारंटी कितनी है आपकी कंपनी की तरफ से, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है और प्राइस कितना है, ये तीन चीज़ बता दीजिए। सर, ये सबसे पहले हमारे जो सेट लगे हुए हैं इनकी वारंटी जो है 36 months है, ठीक है, प्लस इसमें जो बैटरी लगी हुई है आपकी लिथियम बैटरी लगी हुई है जिसकी लाइफ 10 साल से ऊपर होती है, 10 साल तक इसको हम बैटरी को सेम एज इट इज यूज़ कर सकते हैं, उसके बैकअप में बिल्कुल चेंज नहीं आता। अच्छा, जो बैटरी रेटिंग की लगी हुई है वही बैटरी की रेटिंग रहती है और वो उतना ही बैकअप देता है 10 साल तक। अच्छा, अगर तो अगर मतलब आप कह रहे हो कि 3 साल की आप वारंटी दे रहे हो, हाँ जी, और अगर ये प्रोडक्ट चलना चाहे तो 10 साल तक भी चल सकता बिल्कुल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 4 मॉडल रखे हैं, आपने बताया कि इसमें बड़े मॉडल्स भी आते हैं जिनमें कैबिनेट अलग अलग हो जाते हैं, अभी फिलहाल 4 मॉडल हैं तो आप इन 4 मॉडल का प्राइस बता सकते हैं, एक रेंज बता दीजिए। सर, बेसिकली हमारा जो लिथियम ESS 700 मॉडल है, हाँ, इसका प्राइस अप्रॉक्स 50,000 है। ठीक है, 15,000
वेरी करता है एज पर डिस्टेंस लोकेशन। अच्छा। लोकेशन के अकॉर्डिंग इसके प्राइस वेरी करते हैं। तो मतलब हम किस स्टेट में खरीद रहे हैं, इन सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो 15,000 के आसपास ये सेटअप हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, ये कस्टमर प्राइस है आपका, एंड कस्टमर प्राइस आपका 15,000 रुपए। वेल, ये ज्यादा तो नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो लोड इस पे चल जा सकता है, और क्योंकि इसमें फायदे आपने काफी बताए तो उस हिसाब से तो ये ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी लगी हुई है, अगर आप बाहर बैटरी लगाते तो उसका एडिशनल आता है। बैटरी अलग होता है, इन्वर्टर का अलग होता है, फिर उनकी ट्रॉली का जितना भी झंझट है वो सबका अलग अलग हिसाब किताब है। इसमें सिर्फ एक इसी यूनिट का पूरा आप लीजिए सब कुछ कवर्ड है। 15,000 का आपने बताया, उसके आसपास पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरे, उसके बाद ये ESS 900 है, इसका प्राइस है हमारा 25,000। 25,000 के आसपास पड़ेगा, आसपास अप्रॉक्स 25,000 है, वो वेरी करता है एज पर लोकेशन। ठीक है, ठीक है, एंड कस्टमर प्राइस है ये। ठीक है, ESS 2500 विद ब्लूटूथ वाला मॉडल है हमारा। ठीक है, इसकी प्राइस, इसका प्राइस है हमारा 55,000। 55,000 जी। ठीक है, और ESS 4000 है, इसका प्राइस है 66,000। 66, हाँ जी। तो ये जो बाद के दो मॉडल आपने बताया 55,000 के आसपास का इसका प्राइस है, 66,000 हाँ के आसपास का उसका है, ये आपने बताया कि इन पे एसी भी चलते हैं। एसी भी, इस पे एक एसी चला एक एसी सकते इस पे हैं, दो एसी इस पे चला सकते हैं। तो अगर मतलब एक एसी चलाने वाला सेटअप हमें चाहिए तो वो 55,000 के आसपास हमें मिल जाएगा, और दो एसी के लिए चाहिए और उतने सारे हैवी लोड के लिए चाहिए तो 66,000 के आसपास हमें मिल जाएगा। ठीक है योगेंद्र जी, प्रोडक्ट तो हमने सारे कवर कर लिए और आपने बता दिया कि अभी इससे बड़े मॉडल्स भी आपके पास रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कहाँ से परचेज कर सकता है? सर, हमारे ये सारे मॉडल्स हमारे इंडिया में 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा। जिसके थ्रू हम परचेज कर सकते हैं, स्वास्तिका के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओके। उनके थ्रू ही हम इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, और इंडिया के बाहर भी मिलते हैं आपके? हाँ जी, इंडिया के बाहर भी हमारे एक्सपोर्ट में भी अवेलेबल है मॉडल सारे। अच्छा, तो वो भी हम एक्सपोर्ट टीम के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट आज हमने कवर करे हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। अभी तक जो आप देख रहे हैं वो सारे लेड एसिड वाले प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर लिथियम बैटरी वाले प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं। एक छोटी सी यूनिट के अंदर सारा सेटअप है आपका, इन्वर्टर का भी, बैटरी का भी, और इसी से आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। मेंटेनेंस कुछ है नहीं, प्राइस भी मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा है, क्योंकि जो जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, एसी चलाने तक के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इतने कम प्राइस में, तो ये बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ सवाल आपके अभी भी हैं इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उन सारे सवालों के जवाब पता करके आपको जवाब देने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।